अब देखिए मैं हम लोग क्या बता रहे थे कि अब क्या है कि वो जो सिंक पल्स के लिए हमको हॉरिजॉन्टल स्वीप ऑसिलेटर को स्टार्ट करने के लिए हमको ट्रिगर पल्स चाहिए, उस ट्रिगर पल्स के लिए कि लीडिंग एज चाहिए। तो लीडिंग एज के लिए मैंने क्या बताया कि जो 2.5 लाइन पीरियड था उसको हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन पीरियड होता है 64 माइक्रोसेकंड का, तो 32 माइक्रोसेकंड के 5 फील्ड में उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। उसका डायग्राम मैंने बनाया है, देखिए यहाँ से 313वीं लाइन ख़त्म हुई थी आधे पर, 313वीं की आधी, उसके बाद हम लोग को यहीं पास सिंक पल्स जनरेट करने के लिए हॉरिजॉन्टल स्वीप कर लो स्वीप ऑसिलेटर को स्टार्ट करने के लिए ट्रिगर पल्स चाहिए था, लेकिन यहाँ ट्रिगर पल्स थी नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या किए, इसको 5 स्लॉट में डिवाइड कर दिए, ढाई लाइन पीरियड को, एक से लेकर के 5 तक। तो 313 की आधी लाइनें हैं, 313 की ए लाइन पूरी, तो यहाँ से आपकी एक लाइन पूरी हो गई, यहाँ दो लाइन मिल के 314वीं पूरी हो गई और दो लाइन मिल के 315वीं, मतलब कि जो ढाई लाइन पीरियड था उसको आधी आधी लाइन पीरियड के 5 में हम लोग डिवाइड कर दिए। उसी तरह से इसमें से 625 के बाद जो एक लाइन दो लाइन थी उसको भी 64 माइक्रोसेकंड की एक लाइन पीरियड होती है, तो उसको 32-32 माइक्रोसेकंड के अलग अलग लाइन पीरियड में बांट दिए, जिसमें से बीच में गैप 4.7 माइक्रोसेकंड है और बाकी उसमें माइनस कर लेंगे तो इसका लेंथ है वो, तो ये हो गया। लेकिन इसके बाद भी हम लोग को एक आधी लाइन के बाद आ रहा है, एक पूरी लाइन के बाद आ रहा है, तो इलेक्ट्रिकल कंडीशन बदल जा रही है और परफेक्ट इंटरलेस हमको प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इवन फील्ड और आर्ट फील्ड के बाद परफेक्ट इंटरलेस प्राप्त करने के लिए और जो मिस अलाइनमेंट था उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वलाइजिंग पल्सेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, इक्वलाइजिंग पल्स क्यों इस्तेमाल करते हैं फिर आपको बताओ, क्योंकि एक आधी लाइन के बाद स्टार्ट हो रहा है और एक पूरी लाइन के बाद स्टार्ट हो रहा है, तो इलेक्ट्रिकल कंडीशन बदल जा रही है, इसलिए इवन फील्ड और आर्ट फील्ड के बाद हमको परफेक्ट इंटरलेस प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो परफेक्ट इंटरलेस प्राप्त होने के लिए हम लोग एक पल्स का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं इक्वलाइजिंग पल्सेस। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसी क्वेश्चन की वजह से मैं आपको पूरा वर्टिकल सिंक डिटेल बता रहा हूँ। तो इसीलिए हम लोग इवन फील्ड ऑड फील्ड के बाद परफेक्ट इंटरलेस प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिकल कंडीशन न बदलने पाए इसके हम लोग इक्वलाइजिंग पल्स का इस्तेमाल करते हैं। जो इक्वलाइजिंग पल्स इस सिंक लाइन पीरियड, इस सिंक वर्टिकल सिंक के पहले लगाई जाती है उसको बोलते हैं प्री इक्वलाइजिंग पल्स, और जो इसके बाद लगाई जाती है उसको पोस्ट इक्वलाइजिंग पल्स बोला जाता है। जो पहले लगाई जाएगी उसको प्री इक्वलाइजिंग पल्स और जो बाद में लगाई जाती है उसको पोस्ट इक्वलाइजिंग पल्स बोला जाता है। प्री इक्वलाइजिंग पल्स पोस्ट इक्वलाइजिंग पल्स क्या करेगा, इसके पहले की ढाई लाइन, इसके बाद की ढाई लाइन उनको भी इसी तरीके से ढाई लाइन पीरियड को हाफ हाफ लाइन पीरियड के 5 स्लॉट में डिवाइड कर देगा, जिससे यहाँ से ले करके यहाँ तक ठीक पूरा का पूरा इसको एक समान लाइन पीरियड, एक समान लाइनें 32-32 माइक्रोसेकंड की मिलती रहे, जिससे कि हमको परफेक्ट इंटरलेस प्राप्त हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसके पहले इसी तरीके से 5 लाइन, ठीक इसके पहले भी इसी तरीके से 5 लाइनें, इसको मैं रफली बना दे रहा हूँ, अभी इसका डायग्राम आपको भेज दूंगा, इसके बाद भी 5 लाइनें। तो जो समस्या थी कि आधी लाइन के बाद कोई स्टार्ट हो रहा है, कोई पूरी लाइन के बाद स्टार्ट हो रहा है, वो समस्या पूरी तरह से दूर हो जाती है, इसलिए हम इसमें पहले प्री इक्वलाइजिंग पल्स लगाते हैं और बाद में पोस्ट इक्वलाइजिंग, तो पूरा लाइन जो है आपको एक तरह से लगेगा। मैं आपको पूरा रिवाइज कर देता हूँ एक बार। सबसे पहले मैं वर्टिकल सिंक पल्स के बारे में आज आपको बताना जा रहा था। वर्टिकल सिंक पल्स और हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स दोनों रिसीवर के पास जाता है, तो पहले तो हमको ये होना चाहिए कि कैसे उसको समझ में आए रिसीवर को कि वर्टिकल है कि रिसीवर। इसीलिए वर्टिकल सिंक पल्स को हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स से ढाई लाइन पीरियड ज़्यादा बढ़ाया जाता है, ठीक 2.5 लाइन पीरियड ज़्यादा रखा था। एक लाइन पीरियड होता है 64 माइक्रोसेकंड का, तो उसमें 2.5 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 160 माइक्रोसेकंड का होता है आपका वर्टिकल सिंक पल्स। ठीक, इतना बात आपको क्लियर हो गया क्यों होता है। उसके बाद अब क्या है, हम लोग इंटरलेस स्कैनिंग पढ़े हैं, दो फील्ड होती हैं, एक से लेकर के 313 की आधी लाइन और फिर 313 की आधी लाइन से 625 लाइन, तो दो बार हमको सिंक पल्स भेजना पड़ेगा, एक बार 313वीं लाइन की आधी से ढाई लाइन तक, तो 313वीं की आधी 314, 315 और एक 625 के बाद एक दो और तीसरी का हाफ। ठीक, इतना बात आपको क्लियर हो गया है। अब देखिए, अब हम लोग सब समझ गए, अब क्या करेंगे, मैंने अभी डायग्राम बना के आपको बताया कि लेकिन इसमें समस्या क्या रही थी कि एक सिंक पल्स आधी लाइन के बाद शुरू हो रहा था और एक सिंक पल्स पूरी लाइन के बाद स्टार्ट हो रहा था, तो मिस अलाइनमेंट की समस्या उत्पन्न हो जा रही थी। अब मिस अलाइनमेंट की समस्या के साथ साथ उस हमको सिंक पल्स भेजने के लिए हॉरिजॉन्टल स्वीप ऑसिलेटर को स्टार्ट करना पड़ेगा, ट्रिगर करना पड़ेगा, उसको ट्रिगर करने के लिए लीडिंग एज चाहिए। अब आधी लाइन के बाद कहाँ
आधी लाइन के बाद कहाँ से हमको मिलेगा ट्रिगर पल्स जो उसको लीडिंग एज देगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो ढाई लाइन होता है उसको हाफ हाफ, जैसे 64 माइक्रो सेकंड होता है 32 32 माइक्रो सेकंड के पांच लॉट में डिवाइड कर देगा। तो हॉरिजॉन्टल स्वीप ऑसिलेटर के ट्रिगर पल्स को देने के लिए हमको सही टाइम पर पल्स मिल जाएगा, तो वो समस्या तो हल हो गई। लेकिन अभी भी इवन फील्ड और ऑड फील्ड के बाद एक आधी लाइन के बाद स्टार्ट हो रहा है, एक पूरी लाइन के बाद स्टार्ट हो रहा था। अब इस समस्या को दूर करना है, इस समस्या की वजह से परफेक्ट इंटरलेस प्राप्त नहीं हो पा रहा था और इवन फील्ड और ऑड फील्ड दोनों के बाद परफेक्ट इंटरलेस प्राप्त नहीं होने की वजह से मिस अलाइनमेंट हो रहा था और हमको परफेक्ट इलेक्ट्रिकल कंडीशन प्राप्त नहीं हो पा रही थी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए क्या करते हैं, जो हम लोग पाँच स्लॉट में डिवाइड किए उसके पहले ढाई लाइन उसके बाद ढाई लाइन उसको भी हम लोग उसी तरह से डिवाइड करते हैं, जिसको बोलते हैं इक्वलाइजिंग पल्स, इक्वल करने के लिए। तो जो पल्स पहले लगाई जाती है उसको प्री इक्वलाइजिंग पल्स और दो बार लगाए तो उसको पोस्ट इक्वलाइजिंग पल्स। बच्चों एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है कि इक्वलाइजिंग पल्स क्या होता है, इसको क्यों यूज किया जाता है, या प्री इक्वलाइजिंग पल्स पोस्ट इक्वलाइजिंग पल्स क्या होता है। तो क्या होता है, कभी कभी बताते हैं क्यूबी में देख लेते हैं बच्चे प्री इक्वलाइजिंग पल्स पोस्ट, अब आ गया है, पहले वो भी नहीं छपता था, हमको नहीं लगता अभी भी छपा हुआ, शायद पुरानी क्यूबी आती है, पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता। जब तक आप पूरा चीज़ समझोगे नहीं तब तक आपको पढ़ने मज़ा नहीं आएगा। कहाँ से स्टार्ट करो, स्कैनिंग लाइन से पढ़ना पड़ेगा, लाइन से स्कैनिंग, हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग, वर्टिकल स्कैनिंग, फिर इंटरलेस स्कैनिंग, फिर कंपोजिट वीडियो सिग्नल हॉरिजॉन्टल का फिर वर्टिकल का, पूरा जब एक लिंक पढ़ा तो खुद पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। ठीक, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो इस तरह से आपका कंपोजिट वीडियो सिग्नल टॉपिक ख़त्म होता है। अगले क्लास से मैं वीडियोकॉन कैमरा ट्यूब के साथ आपके पास हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।